Hey guys, assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Welcome back to Creativity with Asma. So guys, आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो. सबसे पहले आप देख सकते हैं मैं शर्ट की कटिंग कर चुकी हूँ और यहाँ पर ये मैं इसके साथ कंट्रास्टिंग कपड़ा यूज़ करूँगी जो कि शॉकिंग पिंक कलर में है. आप देख सकते हैं ये 13 inches इसकी लेंथ है और इसके पीछे मैं बुकरम लगा चुकी हूँ जो कि मैं 2.5 inches की लगा चुकी हूँ चौड़ाई में. और यहाँ पर इस पीस के ऊपर हम लोगों ने, क्योंकि डोरीज लगानी है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं 1.5 inch की पट्टी हम लोगों ने इस तरह से रेडी करनी है. सबसे पहले इसको यहाँ मशीन से हम लोग एक सिलाई लगाएंगे बिल्कुल एक पाँव के वक्फे से और फिर हम लोग इसको सीधा कर लेंगे तो हमारी डोरी रेडी हो जाएगी. इसको हम अपनी नेकलाइन में यूज़ करेंगे. यहाँ हम लोग 2 कलर्स की डोरीज यूज़ करेंगे. मैंने 2 कलर में डोरीज स्टिच करके तैयार कर ली हैं. अब हम लोग इस पट्टी के ऊपर इनको अटैच करेंगे, लेकिन उससे पहले 2-2 इंच के वक्फे से यहाँ मैं मार्क कर रही हूँ. ऊपर नीचे से 1/2 inch मैंने छोड़ दिया है. यू कैन सी, सबसे पहले हम यहाँ पर ब्लू कलर की पट्टी को यूज़ करेंगे इसके ऊपर. आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी मार्किंग के ऊपर रख के यहाँ मैं स्टिच कर लूँगी. चूँकि ब्लू पट्टियाँ हम ऊपर स्टिच कर चुके हैं तो अब हम यहाँ पर ये जो पिंक कलर की मैंने रेडी की थी इसको 2-2 inches के बराबर पीसेस में कट कर लिया है. तो अब यहाँ मैंने एक पीस को उठाया है. आप यहाँ चाहें तो स्टिचिंग मशीन से भी कर सकते हैं, चोनट्स डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं सुई धागे का इस्तेमाल करूँगी. इससे मैं इस तरह से बीच में चुनट्स बना लूँगी इन तमाम पीसेस पे. इस तरह से मिड में बहुत ही टाइटली यहाँ पर चुनट्स बना लूँगी. व्यूज़ यहाँ पर मैं इनको सुई धागे की मदद से ही अटैच कर रही हूँ. आप देख सकते हैं इनको मैं एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरह से मैंने इनके अंदर सुई धागे की मदद से सिलाई लगाई है. और यहाँ मैं एक छोटा सा वाइट पर्ल यूज़ करूँगी जो कि इसके मिड में लगाऊँगी मैं. और इसको लगाने के बाद आप देख सकते हैं साइड्स पे जो पट्टियाँ हैं इनको सबसे पहले आप सुई गुजार लेंगे, फिर ये जो साइड्स पे पट्टियाँ हैं इनको आप नीचे की तरफ फोल्ड करके इस तरह से बहुत ही केयरफुली स्टिच कर लेंगे.
इसी तरह से बहुत खूबसूरती से ये तमाम फ्लावर्स लग जाएंगे। और इसके साइड्स पे मैं यहाँ पर एक गोल्डन कलर की जिग जैग डोरी यूज़ करूँगी, जो कि इसके कॉर्नर्स पे यूज़ करूँगी। आप देख सकते हैं मैं इसके मिड में रख के सिलाई लगा रही हूँ, फिर मैं इसे जब फोल्ड करूँगी तो हमारी डोरी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी नुमाया होगी, एज़ यू कैन सी। जहाँ पर हमने इस पट्टी को अटैच करना है उसको मैंने रख के इसके ऊपर राउंड शेप में गला कट करके रख दिया है। अब जहाँ पर इस पट्टी को लगाना है वहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा सा मार्क कर लेंगे, चाहे तो आप बीच में पिन अप भी कर सकते हैं, ताकि ये पट्टी आपकी इधर उधर ना खिसके और बिल्कुल सफाई से बिल्कुल अच्छी जगह पर लग जाए। सो व्यूज़, यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारी नेक लाइन बिल्कुल रेडी है और बहुत सफाई से बहुत ही इजीली रेडी हो गई है। इसके बाद हमें इसके साइड्स पे मैं यहाँ मिरर लेस को यूज़ करूँगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ करें, चाहें तो ना ही भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस मिरर लेस को यूज़ करूँगी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि मुझे नेक लाइन को बिल्कुल लाइट ही रखना था, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बनाना था। सो यहाँ पर मैं इस मिरर लेस को यूज़ करूँगी। मिरर लेस को लगाने का तरीका तो मैं आपको बहुत से वीडियोस में आप बता चुकी हूँ, आप मेरी वीडियो पर जाके देख सकते हैं जिसमें मैंने मिरर लेस की नेक लाइन्स को शो किया हुआ है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना मत भूलेगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।